नमस्कार मित्रों, आज के जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खास है। आज के जो वीडियो का विषय है बहुत ही नेक है। इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखिएगा। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे जानकारी बताऊंगा, प्राचीन ग्रंथों की जानकारी बताऊंगा जो कि आपको हमेशा काम ही आएंगे, यानी कि आपकी पूरे जिंदगी भर ये काम आएंगे। लाखों रुपए खर्चा कर लेंगे फिर भी इस प्रकार की जानकारी आपको अगर आप किसी से पूछना चाहेंगे तो नहीं बताएंगे। मित्रों, मैंने कई वीडियो में शेर के नाखून के बारे में बताया हूं, इसके पंजे के बारे में बताया हूं, इसके बाल के भी बहुत सारे अद्भुत लाभ बताया हूं और इसके चर्म के बारे में भी बताया हूं। इसके जो चर्म होता है बहुत ही कीमती होता है, इसलिए संत महात्मा और प्राचीन समय जो राजा लोग होते थे शिव के आसन पर बैठते थे, यानी कि इसके चर्म के आसन पर बैठते थे। और बहुत ज्यादा जो संत मुनि है लोग तपस्या और साधना करते थे, क्योंकि इसके चर्म आसन पर बैठ करके साधना करने से साधना जल्दी सफल होता है। तो आज मैं आप लोगों को सिंह के जो मूंछ के बाल होते हैं इसके चमत्कारिक फायदे बताऊंगा। आपके पास सिंह के मूंछ के बाल है या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ अगर आप इसके फायदे जान जाएंगे तो निकट भविष्य में जब भी आपको मिलेंगे तो मैं आप लोगों को इसका जो फायदा बताऊंगा ये आपको बहुत ही आगे काम आएंगे, ये जानकारी आपको हमेशा फलीभूत साबित होंगे। मित्रों, एक बात बताना चाहूंगा सभी दर्शकों को जो कि हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे दर्शक नहीं बल्कि हमारे परिवार के सदस्य, आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं मेरे परिवार की ही से, मैं चाहता हूं कि आप सभी को प्राचीन ज्ञान की वह हर जानकारी प्राप्त हो जो कि लोग लाखों रुपए खर्चा करते हैं फिर भी नहीं बताते। तो देवी दुर्गा के जो लोग शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं, जल्दी सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोग जो शेर के मूंछ के बाल होते हैं इसे चांदी की ताबीज में भर करके धारण करते हैं, तो देवी दुर्गा के जल्दी जितने भी देवी काली हैं, देवी दुर्गा इनके जितने भी सिद्धियां हैं जल्दी सिद्ध हो जाती हैं। कोई भी साधना करते हैं तो इसके शेर के जो मूंछ के बाल होते हैं चांदी में भर करके धारण करते पहनते हैं तो जल्दी सफल हो जाते हैं। इसके धारण करने के बाद दुश्मन परास्त होता है, इसके पहनने से जो दुश्मन होते हैं श्वान के भांति हो जाते हैं, यानी कि कुत्ते के भांति चुप हो जाते हैं, क्योंकि शेर के सामने में कुत्ते की कुछ भी औकात नहीं। ठीक उसी प्रकार जो आपके दुश्मन है आपके सामने में कुत्ते तुल्य हो जाते हैं, यानी कि वो निर्बल हो जाते हैं और आप जो प्रबल हो जाते हैं। कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होते हैं इसके धारण करने के बाद, नवग्रह अपने अपने स्थान पर स्थित रहते हैं, किसी भी प्रकार के जो ग्रह आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करते हैं नुकसान नहीं पहुंचा पाते। इसे लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होता है, शिव कृपा प्राप्त होता है, माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होते हैं इसके धारण करने के बाद। और हाँ, शरीर में टाइगर जैसा जोश आ जाता है, ताकत आ जाता है, गुस्सा अत्यधिक आता है इसका धारण करने के बाद। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना, और इसके धारण करने के बाद व्यापार तेजी से चलने लगता है। आप जहां भी जाओगे वहां पे आपको उन्नति मिलेगा, तरक्की मिलेगा, अपना भाग्य आप खुद लिखोगे, आपके भाग्य आपके मर्जी से चलेगा न कि ग्रह नक्षत्र के मर्जी से। तो इसके धारण करने के बाद और भी अद्भुत लाभ फायदे प्राप्त होते हैं, दिव्य शक्तियां दिखाई देने लगती हैं, देवियों की कृपा प्राप्त होता है। तो ये थे आज की छोटी सी जानकारी मित्रों, यह जानकारी कैसा लगे हमें जरूर बताइएगा। आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।